गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिवस इंटरनेशनल ऑनलाइन एजुकेशन। टुडे वी आर गोइंग टू डू इंग्लिश जंक्शन। आई हैव एक्सप्लेन टू योर यूनिट टू बर्ड टॉक पोएम। टुडे वी विल डू द टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज। सी, कैन यू सी ओवर हियर द क्वेश्चन? लेट्स फाइंड आउट टू थिंग्स विच वी कैन डू एंड द बर्ड्स कांट डू। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बर्ड्स कर सकती है और हम नहीं कर सकते हैं, या फिर हम कर सकते हैं या बर्ड्स नहीं कर सकती है? तो यहाँ पे है, वी कैन रीड बुक्स एंड राइट बट द बर्ड्स कांट डू। वी कैन ड्राइव कार्स एंड बाइक्स बट द बर्ड्स कांट डू। तो बर्ड्स ये सब नहीं कर सकती। हम बुक्स पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, पर बर्ड्स नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज, ये था पेज नंबर 12। अभी आएंगे हम पेज नंबर 13 पे। यहाँ पे है लिसन टू द साउंड ऑफ द बर्ड्स और यहाँ पे हमको लिखना है। तो एग्जांपल दिया है चिप चिप चिप, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे कू 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 कू, कोयल बोलती है, फिर क्रो कहता है का 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 का। फिर यहाँ पे हमको कुछ वर्ड्स दिए हैं, नेस्ट, वाटर, चिप, फ्लाई, स्काई, विंग्स। तो हमको यहाँ पे 4 स्पेस दिया है, लाइंस हैं। हमको यहाँ पे ये वर्ड्स को यूज़ करके सेंटेंसेस बनाने हैं। तो देखिए, फर्स्ट सेंटेंस, बर्ड्स मेक देयर नेस्ट ऑन द ट्री। बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई इन द स्काई। बर्ड्स मेक अ साउंड चिप चिप। बर्ड्स ड्रिंक वाटर विद देयर बीक। नेक्स्ट पेज टर्न कीजिए, पेज नंबर 14। यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स है, राइट द वर्ड्स ऑफ द राइट वर्ड्स दैट राइम विद द वर्ड्स गिवन बिलो। देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ग्रो नो क्रो, डे बे रे, थिंक ब्रिंक पिंक, फनी सनी बनी मनी, ईट ग्रीट मीट, सिंग विंग किंग। तो ये है हमारे राइमिंग वर्ड्स। मैं इसके साथ आपको इसका PDF अभी भेजती हूँ, तो आप टेक्स्ट बुक में इसको कर देना। ओके स्टूडेंट्स, वंस वी विल जस्ट रीड द पोएम अगेन। बर्ड टॉक। थिंक सेड रॉबिन, थिंक सेड जैक, सिटिंग इन द गार्डन टॉकिंग वन डे। थिंक अबाउट पीपल द वे दे ग्रो, दे डोंट हैव फेदर्स एट ऑल यू नो। They don't eat beetles, they don't grow wings, they don't like sitting on wires and things. Think, said Robin, think, said Jay, aren't people funny to be that way? Students, homework में एक बार आप ये poem read करना, ठीक है? Okay, bye.